एक और नया दिन एक और नया ब्लॉग। मेरा नाम विनय बैरागी, आप देख रहे हो विनय बैरागी ब्लॉग्स। आज है धनतेरस और धनतेरस के शुभ अवसर पर मशीन जा रही है धुलने आज। तो अपन सुरेंद्र भैया और मैं, हम दोनों जा रहे हैं मशीन धोने, देख के जा रहे हैं। देखो मशीन की स्टार्टिंग, ज्यादा झूल लग रही है इस पर। कितना मोटा मोटा ग्रीस जम रहा है। चलो चलते हैं उसको लेके, जहाँ पे है ना फॉर्चुनर फंसी थी वहीं पे लेके जाना है। जहाँ पे फॉर्चुनर फंसी थी वहीं पे धोने ले जाएंगे। आ चुके हैं अपन स्टेटरी। देखो सामने पानी पानी दिख रहा होगा, कब पानी भरा है, पानी भरा है। इधर से अपने को चलना सीधा, जाओ कितना अच्छा व्यू दिखता है इधर का। इधर ही मैं जैक को भी घुमाने लेकर आता हूँ। अभी अपन ने अपनी मशीन को पूरी 40 की स्पीड भगा दिया, पूरा 1800 RPM पे। भाई देख रहे हो सामने पूरा पानी पानी भरा, और ये बहुत नीचे घाटी है, ये बट घाटी है ये चलने की, कम से कम 3-4 मंजिल की घाटी है ये। करते करते अरे अभी भी गलता है वहाँ। अब लेकर आएंगे मशीन, पानी भी साफ हो जाएगा उससे। इधर दिखता है ले जाओ ले जाओ और ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दिक्कत नहीं, उधर रास्ता है पूरा। ये बाल्टी इधर रख देता हूँ, मशीन लेकर आएंगे तो उन्हें इधर पड़ के। पत्थर लगा अभी बस आएगी। अब
में मशीन पर चढ़ कर चलते हैं। चलो पक्का रास्ता है के नीचे था ना। क्या बच्चा खूब चला आज रास्ता डामर है आजू बाजू में नहीं है। हाँ आजू बाजू जाने दो और इधर दबाओ था इधर साइड जाने दो बस करो लोडर टिका दो नीचे लोडर लोडर बस यहीं खड़ी कर लो ये वा यहीं खड़ी करके छोड़ दे थोड़े थोड़े टायर उठा कर और गियर डाल के एक्सीलेटर को मिट्टी नहीं देखो एक्सीलेटर गियर डाल चौथा गियर डालो चौथा चौथा डालो कर दी मशीन धोने चालू देखो ये बढ़िया तरीके से धुल जाएगी मशीन केविन मशीन निकाल ली सब समझ नहीं बिल्कुल मस्त मशीन चकाचक यहीं धुल जाएगी। ये देखो सर हमारी मशीन चालू हुई तो मत ले जा फट जाएगी। वो जान थोड़ी पीछे जान पीछे जाना पीछे उधर करना पीछे बस बस मत करे अब जाना मत करे गाइस मशीन हो चुकी है अब कंप्लीट धो दा के अब हम जा रहे हैं घर। देखो ठंडी और घर के लिए और ज़्यादा है ना मैं आपको दिखा नहीं पा रहा मशीन धोते हुए
कि हम दो ही व्यक्ति थे ना, वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। चलो भाग के चलते, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से फटाफट जाकर। गाइस यार ये मशीन देखो गाइस अभी भी कितनी दूर है वो घाटी, देखो कितनी दूर है घाटी। और ये यहाँ पे है ना फॉर्च्यूनर फंसी थी, ये यहाँ पे कुत्ता सो रहा है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर फंसी थी और ये जारी मशीन। ये अभी भी इतना दूर जाना है, गाइस है ना मध्य प्रदेश शासन भूमि है ये सरकारी जगह। मशीन चले गई ऊपर, जेसीबी के साथ जाऊं। चलो गाइस अब आगे मिलते हैं आपसे। अब अंदर का सीन देखो कितनी साफ हो गई मशीन, अब साफ सुथरी है। कांच में से देखो कितना क्लियर दिख रहा है, एक बार सूखा कपड़ा मारना पड़ेगा फिर बढ़िया चमकने लग जाएगी। गाइस अब इस ब्लॉग पे हैं, करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको किसी और न्यू ब्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।